आटे से बनने वाली और बहुत सारी लेयर्स वाली ये मठरी बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और अमेजिंग होती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको खा के इसको मज़ा ही आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे आटे से लेयर्ड मठरी। काफ़ी आसान रेसिपी है, एक बार बनाएं और हफ्तों तक खाएं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इन टेस्टी लेयर्ड मठरी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आटा। तो ये 2 कप गेहूं का आटा है, ये वही है जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के जीरा, 1 टेबलस्पून भर के कलौंजी या नगेला सीड्स, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। तो जो सूखी लाल मिर्ची होती है मैंने उसको हल्का सा भून के मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहें तो फ्रेश जो हरी मिर्च है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इन सभी को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 4 टेबलस्पून महीन कटी हरी धनिया। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पूरी से हल्का सा लूज़ और रोटी से थोड़ा सा टाइट जो है वो डो बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो गुद के तैयार है। हम इसको ढक देंगे और करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आटे को ढके हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको चेक कर लेंगे। हम इसको अपने रोलिंग बोर्ड पे निकाल देंगे और इसको हम हाफ करेंगे और इसका लॉक जैसा तैयार कर लेंगे एक। तो ध्यान रखें लॉक जो है वो सेम थिकनेस का हो। और अब हम इस तरह से इसके जो है लोइयां कट कर लेंगे चाकू से और इनको इस तरह से हम गोल कर देंगे। ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ की बनाएंगे हम इनको। तो ये देखिए मैंने इनको रोल कर लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और बाकी सबको ढक के रखेंगे और अब हम इसका एक बड़ा सा सर्कल बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बेलें इसको। तो काफ़ी पतला बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है। और अगर इसके साइड्स थोड़े फट रहे हो तो आप हाथ से बिल्कुल इस तरह से उसको दबा दें और इसको दोबारा बेलें। तो देखें तैयार है। तो इसी तरह के और इसी साइज़ के और इसी थिकनेस के हम 2 और सर्कल्स बेलेंगे। तो ये देखें हमने 3 इस तरह से रोटियां बेलनी हैं। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे और इस पर डालेंगे और इसको उंगलियों से अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। तो ध्यान रखें एजेस पे भी डालें। और अब हम इस पर ये दूसरी रोटी लेंगे और ये रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बिल्कुल घी डालेंगे और इसको भी फैलाएंगे। तो जो घी लगा रहे हैं हम इसलिए लगा रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी जब हम इनको फ्राई करेंगे। और ये अब हम तीसरी रोटी भी रख देंगे इसके ऊपर और इस पर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको भी हाथ से अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसको साइड से रोल करेंगे, धीरे हाथों से रोल करें। ये देखिए कुछ इस तरह से इसके कॉर्नर्स इस तरह से जोड़ दें आप। और इसको अब हम और इसका एक थोड़ा सा बड़ा लॉक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम अपना चाकू लेंगे और इसके एज को हल्का सा हटा देंगे जिससे कि एक सार कटे ये। और इसके इक्वल साइज़ के जो है वो हम इस तरह से सर्कल्स काट लेंगे। और अब हम इनको इस तरह से खड़ा करेंगे और हाथ से जो है बस इस तरह से दबा देंगे। ये देखें। और अब हम ये सर्कल लेंगे और इसको बेलन से बिल्कुल धीरे से जो है रोल कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो बहुत बड़ा सा रोल ना करें नहीं तो इसकी लेयर्स चली जाएंगी। इस तरह से मैं सारे के सारे भट्टियाँ जो हैं बना लूँगी। तो देखिए बिल्कुल तैयार है और आइए अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने तेल को गर्म किया है, काफ़ी धीमी आँच पे ही गर्म करना है तेल को। ये मठियाँ हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें आप देख सकते हैं कि एकदम से ऊपर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह का तेल चाहिए हमें। अगर आपकी मठी एकदम से ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और ये ऊपर से तो पक जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब हम इनको इसी तरह से थोड़ी देर तक सिकने देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी सी सिक चुकी हैं, हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, तो ये देखें हमारी मठियाँ जो हैं वो सिक चुकी हैं। तो अब हम इनको हल्का सा कलर देंगे, इसके लिए मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और उलट पलट कर सेकेंगे। तो ध्यान रखें हमने आँच को फुल पे किया है। ये देखिए हमारी मठियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा जब आप सेकेंड लॉट डालें तो आँच को फिर से बिल्कुल धीरे होना चाहिए। ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और आप इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी इनको स्टोर करें, गरम गरम स्टोर ना करें। एयरटाइट डब्बे में रखें, 3 से 4 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेंगे ये। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।